माय चैनल, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरीके से आप अपने जो फ्लास्क होते हैं या बॉटल्स होते हैं, थर्मस जैसी जो बॉटल्स होती हैं या फ्लास्क होते हैं, उनको आसानी से किस तरीके से साफ कर सकते हैं, जिससे कि जो उसके अंदर स्मेल है वो भी चली जाए और जो अंदर दूध, कॉफी, चाय के जो स्टेन्स रह जाते हैं वो, या फिर पानी के भी जो स्टेन्स रह जाते हैं वो कम्प्लीटली साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर एंड आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर भी। किस तरीके से मैं अपनी वीडियोस को शूट करती हूँ, क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है एक अच्छी तरीके की वीडियो बनाने के लिए, उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड ईजी तरीके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपना जो फ्लास्क है उसको इंटरनली अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं, जिसके वजह से उसमें स्मेल नहीं आए, वो अंदर से उसके अंदर कोई दाग धब्बे ना हो एंड कम्प्लीटली वो अच्छी तरीके से इन एंड आउट साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्लास्क को साफ करने का बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लास्क को इस तरीके से खोल लेंगे एंड यहाँ पर मैं एक नींबू का इस्तेमाल करूंगी। ये सबसे पहले मैं आधा नींबू इसमें स्क्वीज कर दूंगी। ये मैंने आधा नींबू स्क्वीज कर दिया है और अब मैं बाकी बचा हुआ आधा नींबू और स्क्वीज कर दूंगी इसमें। सो आप ये देख सकते हैं, मैंने एक नींबू अच्छी तरीके से इस फ्लास्क में स्क्वीज कर दिया है और अभी मैं मेरे पास में बेकिंग सोडा है तो मैं 1 से 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा इस फ्लास्क में डाल दूंगी। बेकिंग सोडा और नींबू दोनों काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो इसकी वजह से जो भी गंदगी होती है वो क्लीन हो जाती है और जो इसके अंदर दाग धब्बे होंगे या फिर गंदी स्मेल आ रही होगी वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। इसलिए मैंने बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल किया है फ्लास्क को साफ करने के लिए। इंटरनली फ्लास्क को साफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अगर इसमें दूध रखते हैं, चाय रखते हैं या फिर पानी के भी स्टेन्स होते हैं वो अगर रह है जाते हैं तो फ्लास्क के अंदर स्मेल जो है वो ब्रीड करने लगती है, बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसकी वजह से हमारा जो फ्लास्क है अगर हम उसको कम्प्लीटली क्लीन नहीं करेंगे तो वो एक तो हाइजेनिकली अच्छा नहीं है और उसकी वजह से उसके फ्लास्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरियाज डेवलप हो जाएंगे। तो फ्लास्क को इंटरनली क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है एंड यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर बबल्स पैदा हो गए हैं। बबल्स इसलिए पैदा हो गए हैं क्योंकि दोनों हाईली रिएक्टिव हैं। अब इस फ्लास्क में दोनों चीज़ों को डालने के बाद में मैं गर्म पानी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने पानी से इस फ्लास्क को कम्प्लीटली फिल कर लिया है, बस 1/4 खाली है। अब हम इसका ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। ये मैंने इस तरीके से ढक्कन लगा दिया, अब इसका स्टील कैप लगा देंगे। अच्छी तरीके से चीज़ों को शेक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से शेक करने के बाद में 4 से 5 घंटे के लिए फ्लास्क को अनटच्ड रख दूंगी, जिससे कि ये मूव नहीं हो और इसको स्टेबल तरीके से हम रख देंगे। 4 से 5 घंटे आप रख सकते हैं या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जिससे कि जिस इसके अंदर दाग धब्बे होंगे फ्लास्क के अंदर या फिर जो स्मेल होगी वो कम्प्लीटली निकल जाएगी। तो हम इस फ्लास्क को ओवरनाइट रखेंगे एंड ओवरनाइट रखने के बाद में हम इस फ्लास्क को अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे। अब हम फ्लास्क को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लास्क को ओपन किया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से चला देंगे एंड अब हम फ्लास्क को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। इंटरनली आप फ्लास्क को किसी भी ब्रश की हेल्प से, जो बॉटल्स का जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से आप इसको साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास में बॉटल का ब्रश नहीं है, जैसे करंटली मेरे पास में बॉटल का ब्रश नहीं है, तो मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बता रही हूँ। ये मेरे पास में थोड़े से चावल हैं, चावलों को मैं इस तरीके से इस फ्लास्क में डाल दूंगी। ऊपर से इसकी लिड बंद कर देंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने लिड को बंद कर दिया और काफ़ी तेज़ी तरीके से हम इसको शेक करेंगे। शेक करने से जो चावल होंगे वो अच्छी तरीके से हिलेंगे और फिर उसके बाद में जितने भी दाग धब्बे होंगे उनको क्लीन कर लेगा। ये तरीका तब है जब आपके पास में ब्रश नहीं है बॉटल वगैरह का साफ करने के लिए, तब आप चावलों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से फ्लास्क जो इंटरनली है, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं घुसता, वो क्लीन हो जाते हैं। तो अब मैं इसको शेक कर लेती हूँ सारी चीज़ों को और अब हम फ्लास्क को किसी भी डिशवॉशिंग लिक्विड से साफ कर लेंगे और पानी से इसको अच्छी तरीके से धो देंगे। तो अब मैं इसको डिशवॉशिंग लिक्विड से साफ करके लेकर आती हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लास्क है वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। बाहर से भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसको क्लीन कर दिया है। सिर्फ नींबू और बेकिंग सोडा की हेल्प से हमने अपने फ्लास्क में जो स्मेल थी, जो गंदगी थी और जो दूध या चाय का जो स्टेन्स होते हैं जो रह जाते हैं या पानी के भी स्टेन्स होते हैं, उसको हमने इतने आसानी तरीके से इसको क्लीन कर दिया। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इंटरनली फ्लास्क को क्लीन करने का। यह आप मेरे पास में आधा नींबू देख सकते हैं, इस नींबू को मैंने निचोड़ा इसमें
अच्छी तरीके से हमने आधा नींबू जो है इस फ्लास्क में निचोड़ लिया। अब यहाँ पर मेरे पास में सॉल्ट है, तो मैं एक चम्मच नमक लूंगी और इसको इस फ्लास्क में डाल दूंगी। फ्लास्क में डालने के बाद में हम गर्म पानी लेंगे और गर्म पानी को इस फ्लास्क में डाल देंगे। ये मैंने फ्लास्क में गर्म पानी डाल दिया है, इसकी लिड लगाएंगे ऊपर, ऊपर से इसका स्टील वाला जो कप है उसको भी बंद कर देंगे। एंड अब हम इस फ्लास्क को अच्छी तरीके से शेक करेंगे, जिससे कि दोनों जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाए और हमारी जो स्मेल है फ्लास्क के अंदर वो कम्प्लीटली निकल जाए। तो मैं इस फ्लास्क को अच्छी तरीके से शेक करूंगी। शेक करने के बाद में अगेन आपको 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्लास्क को हिलाना नहीं है। 3 से 4 घंटे के बाद में आप फ्लास्क को किसी भी डिशवॉशिंग लिक्विड सोप से अच्छी तरीके से धो सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास में बॉटल क्लीन करने का ब्रश नहीं है तो सिंपल तरीका है, थोड़े से चावल लीजिए, उसको इस बॉटल में डाल दीजिए, ऊपर से इसकी लिड लगाइए और अच्छी तरीके से बॉटल को शेक कीजिए। शेक करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो चावल है वो अगर आपकी बॉटल के अंदर स्टेन्स होते हैं या फिर दूध जमा होता है तो उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा। तो अब मैं फ्लास्क को अच्छी तरीके से शेक करती हूँ। शेक करने की वजह से हमारा जो लिड है वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, उसके अंदर भी कोई स्मेल नहीं रहती है और कोई भी गंदगी नहीं रहती है। अब जो हमारे पास में नींबू बचा हुआ था उसकी हेल्प से हम इस लिड को भी साफ कर लेंगे एंड फ्लास्क की आउटर बॉडी है उसको भी साफ कर लेंगे, जिससे कि बाहर की बॉडी पे भी जो दाग धब्बे वो ना रहे। तो इस तरीके से हल्का हल्का घिस लेंगे, जिससे कि लिड में से भी जो स्मेल है वो भी ना रहे और हमारा जो लिड है वो भी अच्छी तरीके से साफ हो जाए। अगेन नींबू की हेल्प से हम बाहर की जो बॉडी है उसको भी साफ कर देंगे। अब इसके कप को भी साफ कर देंगे, ऊपर का जो कप है। तो हमने बचे हुए नींबू की हेल्प से फ्लास्क के आउटर बॉडी जो है वो क्लीन कर दिए। अब हम इस फ्लास्क को डिशवॉशिंग लिक्विड से और पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं, जिससे कि जो नींबू है, जो इसमें सॉल्ट है वो कम्प्लीटली निकल जाए और हमारा जो फ्लास्क है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। सो नाउ फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक नंबर 3 है, बहुत ही आसान तरीका है फ्लास्क को साफ करने का। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में एक चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, उसको मैं इस बॉटल में डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर वेनेगर ले रही हूँ, आप कोई सा भी वेनेगर ले सकते हैं, आप वाइट वेनेगर ले सकते हैं, आप एप्पल साइडर वेनेगर ले सकते हैं। मेरे पास में करंटली वाइट वेनेगर नहीं था, मैं उसको परचेज कर सकती थी, बट मुझे ये भी बताना था कि इन केस अगर आपके पास में रैंडमली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है घर पे और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एप्पल साइडर वेनेगर यूज़ कर रही हूँ वाइट वेनेगर की जगह। तो यहाँ पर मैं एक कप एप्पल साइडर वेनेगर को इस फ्लास्क में डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने एप्पल साइडर वेनेगर डाल दिया। बेकिंग सोडा और वेनेगर की हेल्प की वजह से आप ये देख सकते हैं कि बबूले उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा एसिडिक हैं। अब हम इसका स्टील का जो ऊपर का कवर है उसको लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। लिड को लगाने की जरूरत नहीं है, लिड को आप बाद में अच्छी तरीके से नींबू की हेल्प से उसको साफ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने लगा दिया, दोनों को थोड़ा इस तरीके से लाइट तरीके से मैं हिला दूंगी। यहाँ पर मैंने फ्लास्क को अच्छी तरीके से हिला दिया है। अब इस फ्लास्क को भी आप अगेन 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए एक साइड में, जिससे कि इसके अंदर की जो स्मेल है वो कम्प्लीटली निकल जाए और जो इसके अंदर चिपका हुआ है दूध है जो चिपक गया है इस फ्लास्क के अंदर, या फिर कोई भी चाय दूध कॉफ़ी पानी के स्टेन्स अगर इसके अंदर हैं और चिपक गए हैं वो कम्प्लीटली निकल जाएंगे। अगेन हम फ्लास्क को खोलेंगे, तो फ्लास्क को ज़रा आराम से खोलिएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमने हिलाया, हिलाने की वजह से इसके अंदर गैस बनी है और दोनों हाईली रिएक्टिव है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा गैस बनती है। तो आप ये देख सकते हैं जैसे मैंने खोला तो यहाँ पर वेनेगर और बेकिंग सोडा का जो मिक्सर है इस तरीके से गैस बन के यहाँ पर गिर गया है। अब दोनों को हम और अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। और अगर आपके पास में बॉटल को क्लीन करने वाला ब्रश नहीं है तो आप सिंपल है चावल डालिए थोड़े से, यहाँ पर मैं चावल डाल देती हूँ। अगेन हम लिड को बंद करेंगे, इसका जो ऊपर वाला कैप है उसको बंद करेंगे, अच्छी तरीके से हिला देंगे। ये मैंने अच्छी तरीके से हिला दिया है, लिड को खोलेंगे, ये हमारे जो चावल हैं वो भी बाहर आ गए हैं। जैसे ये चावल हैं जो हमारे बाहर आ गए उनको भी आप आउटर साइड में आप रब कर दीजिए, जिससे कि जो भी स्टेन्स होंगे हमारी बॉटल के ऊपर वो भी इन चावलों की हेल्प से क्लीन हो जाएंगे। तो ये मेरे हाथ में थोड़े से चावल हैं और जो बाहर आ गए शेक करने के बाद में उनको हम इस तरीके से रब कर देंगे और बिल्कुल हमारे जो स्टेन्स हैं वो भी कम्प्लीटली चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमने बेकिंग सोडा वेनेगर की हेल्प से इंटरनली इसको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है और जो हमने चावल डाले थे चावलों की हेल्प से हमने पहले इसको शेक किया। शेक करने से क्या हुआ, जितने भी अंदर स्टेन्स थे गंदगी थी
या फिर कुछ भी चिपका हुआ था वो निकल गया। प्लस शेक करने के बाद में जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा लिक्विड बाहर आया है और साथ साथ में चावल बाहर आए हैं। तो जो चावल इस पर बाहर आ गए थे उससे हमने इस आउटर बॉडी को अच्छी तरीके से रब कर दिया है। चावल को रब करने से क्या हुआ है कि हमारे जितने भी स्टेन्स थे वो इस फ्लास्क से कम्प्लीटली निकल जाएंगे। अब हम इसको विम लिक्विड से या कोई भी लिक्विड सोप सॉल्यूशन से इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेथड से भी आप काफ़ी आसान तरीके से अपने फ्लास्क को इंटरनली धो सकते हैं और इसके अंदर की जो स्मेल है वो भी कम्प्लीटली निकल जाएगी एंड आपका जो फ्लास्क है वो इंटरनली काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमने सिर्फ बेकिंग सोडा, वेनेगर और चावल की हेल्प से फ्लास्क को इतनी अच्छी तरीके से धो दिया, वो भी बहुत कम टाइम में। इनकेस अगर आपको 3 से 4 घंटे के लिए फ्लास्क को नहीं रखना है, मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसलिए बोला था जो कि इसके अंदर स्मेल है वो कम्प्लीटली निकल जाए और स्टेन्स जो है वो बिल्कुल ना रहे। हालांकि अगर आप 3 से 4 घंटे के लिए नहीं रख पाते अपने फ्लास्क को तो आप सिंपल सा 10 से 15 मिनट के लिए फ्लास्क को अनटच्ड कहीं पर स्टेबल तरीके से रख दें। 10-15 मिनट के बाद में आप इसको अच्छी तरीके से शेक करेंगे और आपका जो फ्लास्क है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो इंटरनली आपने इसको क्लीन कर दिया और ये देखिए काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है, बाहर से भी काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 3 तरीके के किस तरीके से हम इसको डीपली अच्छी तरीके से फ्लास्क को क्लीन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे फ्लास्क में कोई स्मेल नहीं रहेगी, कोई स्टेन्स नहीं रहेंगे। अब मैं आपको एक और तरीका बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ्लास्क के अंदर की जो स्मेल है, सिर्फ मैं स्मेल की बात कर रही हूँ, स्टेन्स की नहीं बात कर रही हूँ, उससे हम स्टेन्स नहीं क्लीन कर पाएंगे या फिर हम उसको नहीं धो पाएंगे या कोई भी अगर इसके अंदर गंदगी चिपकी हुई होती है उसको नहीं साफ कर पाएंगे, सिर्फ ये स्मेल के लिए। अगर आपके फ्लास्क के अंदर स्मेल हो जाती है तो उसको किस तरीके से हटाया जाए, यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर लिया। न्यूज़पेपर को हम इस तरीके से गोल फोल्ड कर देंगे, ये मैंने इस तरीके से न्यूज़पेपर को फोल्ड कर दिया है। ये मेरे पास में फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हम न्यूज़पेपर को इस तरीके से डाल देंगे। ये मैंने न्यूज़पेपर को इस तरीके से डाल दिया है फ्लास्क में। अब हम लिड लगाएंगे। एक बात याद रखिएगा, आपका जो फ्लास्क है वो सूखा होना चाहिए, गीला भी नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। यहाँ पर मैंने अपने फ्लास्क को कम्प्लीटली सुखा लिया था, जो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी मैंने वही फ्लास्क यूज़ किया है। बस इस फ्लास्क को मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया था, इसके ऊपर इसकी लिड लगा दी एंड अब इसके ऊपर मैंने इसका कैप लगा दिया है। न्यूज़पेपर फ्लास्क के अंदर रखने के बाद में आप 12 घंटे के लिए इस फ्लास्क को अनटच्ड रख दिए, उसको कहीं पर साइड में रख दीजिएगा या फिर आप ओवरनाइट भी इस फ्लास्क को इस तरीके से रख सकते हैं। 12 घंटे हो जाने के बाद में आप सिंपली इसकी इस तरीके से कैप खोलिए, इसका लिड खोलिए और फिर इसके बाद में आप न्यूज़पेपर को निकाल दीजिएगा। न्यूज़पेपर जो है, जो गंदगी होती है, जो स्मेल होती है, उसको अपने अंदर सोक कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो बदबू होती है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ बदबू हटाने के लिए, स्मेल हटाने के लिए, आप इसे ना तो स्टेन्स हटा सकते हैं ना फिर इसके अंदर कुछ अगर गंदगी चिपकी हुई है आप उसको नहीं हटा सकते। ये सिर्फ माइल्ड हल्की बदबू को हटाने के लिए। और अब मैं इस तरीके से न्यूज़पेपर को निकाल दूंगी फ्लास्क के अंदर से। ये मैंने न्यूज़पेपर निकाल दिया और फिर इसके बाद में आप फ्लास्क को लिक्विड सोप सॉल्यूशन से और पानी से अच्छी तरीके से धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में आपको घंटी दिखेगी, उस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो देन सी यू सून।